बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार में अब तक बवाल मचा हुआ है। जब से बाबा का दौरा बिहार में हुआ है, तब से प्रदेश की राजनीति चरम पर है। वहीं बाबा हनुमंत पाठ करके निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाबा का विरोध उनके पटना आने से लेकर बागेश्वर धाम जाने तक होता रहा है। इन सब से इतर बाबा को बिहार से गए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे ज्यादा विरोध बिहार महागठबंधन की सरकार में अहम भूमिका निभा रही आरजेडी ने की है। अब इसी पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर एक ऐसा बयान दिया है जो शायद आरजेडी और महागठबंधन की पार्टियों को रास नहीं आया है। कहा जा रहा है कि तिवारी का बयान बीजेपी के बयान से काफी मेल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आरजेडी नेता ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि भले ही लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार संविधान बचाओ का शोर मचा लें, लेकिन बाबा ने जिस तरह से बिहार में आकर 5 करोड़ों लोगों को जगाने का काम किया है, वो बीजेपी के लिए फायदे का ही काम करने वाला है। तिवारी ने आगे कहा कि भाजपा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आगे रखकर प्रदेश के किला को फतह करना चाहती है। बाबा जिस मकसद से यहाँ आए थे वो अपना काम करके निकल गए हैं, अब आगे का काम बीजेपी वाले देख लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संविधान को मिटाकर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो समाज में पिछड़े लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, सारा समाज तितर बितर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन पहले बिहार दौरे पर थे, जहां वो प्रत्येक दिन हनुमंत कथा कहते थे। इसी दौरान उनका कहना था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बिहार से इस शुभ काम की शुरुआत करते हैं। शास्त्री ने कहा था कि अगर बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक और अपने घरों पर ध्वजारोहण करें तो जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बाबा ने जैसे ही इस बात को लोगों से पूछा कि लाखों की संख्या में हाथ उठ गए थे, जिस पर बाबा ने विश्वास जताते हुए कहा था कि बिहार से ही इस शुभ काम का आरंभ होगा, मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया है। वहीं बाबा के 5 करोड़ वाले बयान पर बीजेपी और बिहार महागठबंधन की सरकार आमने सामने है। जहां बीजेपी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका जमकर विरोध भी कर रही है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद ठाकुर ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम ने आंख पर बंधी हुई पट्टी को खोलने का काम किया है। और इसके अलावा ठाकुर ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का जिक्र करते हुए कहा कि तिवारी जी की भी आंख की पट्टी खुल गई है। वोटों की राजनीति के लिए जो लोग आंख मूंदे हुए थे उनकी भी आंखें खुल गई हैं। अरविंद ने कहा कि हिंदू का हक है कि टीका लगाना, धार्मिक ध्वज फहराना, ये सब हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हिंदू जाएगा तो संस्कार बढ़ेगा। बाबा को लेकर दिए गए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान कांग्रेस को कुछ खास पसंद नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता असित नाथ ने कहा कि बाबा बागेश्वर जैसे बाबाओं के दरबार में भीड़ नहीं पहुंचती है। बाबा के दरबार में वही लोग जाते हैं जो निराश, हताश और दिशाहीन होते हैं। अतीश नाथ ने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बिहार में पहले से ही निराश लोग हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सरकारें हैं। बिहार की जो स्थिति है इसके लिए तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। क्या इस बात का पता शिवानंद तिवारी को नहीं पता है? आपको बता दें कि शिवानंद द्वारा बाबा पर दिए गए बयान पर अभी तक जदयू और आरजेडी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी क्या स्टैंड लेती है। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।